गुड इवनिंग व्यूअर्स, आज का हमारा ये जो वीडियो आ रहा है वो हमारा टॉपिक डायरिया है आज का। डायरिया मतलब दस्त लगना ना, बहुत ही कॉमन है ये दस्त। और हर घर में हम हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी दस्त लगते रहते हैं। ये नहीं है कि एक बार हो गया तो वापस नहीं होगा। तो ये दस्त के बारे में, डायरिया के बारे में आज थोड़ा बहुत जानेंगे, क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या रहते हैं, हम डाइट में इसमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी थोड़ी सी दवाइयों के बारे में देखते हैं क्या क्या है। पहले तो हम ये देखते हैं कि दस्त होता क्या है। देखो, दस्त मींस डायरिया लूज मोशंस, कैसे है, उल्टी थोड़ा सा महसूस होना, दिल कच्चा होना, और बार 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 मोशन आना, लूज स्टूल आना, पानी जैसे, जिसमें सिर्फ पानी जैसे नहीं, थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड फूड भी उसमें हम पास कर सकते हैं, जिसके साथ हमें थोड़ी वीकनेस भी बॉडी में आती है, चक्कर आने लग जाते हैं, घबराहट होती है, दिल कच्चा होता है, खाना खाने को दिल नहीं करता, ये सब साथ में इसके रहता है। सॉरी। और रहता कब है, जब बहुत गर्मी हो या बरसात का सीजन हो, या फिर हम ट्रेवल करते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। और एक और इसका एक कारण रहता है, अगर हमारे आसपास ज्यादा गंदगी रहती है, हम अगर सफाई नहीं रखते हैं तब। बच्चों में ये खास करके कॉमन रहता है, बच्चों, छोटे बच्चों में, किड्स ना, 1 साल से छोटे बच्चे जो दांत रखते हैं उनमें ये बहुत कॉमन होता है। बहुत कॉमन क्या, हर एक बच्चे को दस्त लग ही जाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं कि जिनको दस्त ना हो। वजह क्या है कि जब दांत निकलते हैं तो मसूड़ों में थोड़ी इरिटेशन होती है, तो बच्चे हाथ डालते हैं उन्हें, या हम उनको ऐसे टॉयज लाके देते हैं कि वो चबाएं और मसूड़ों में से दांत इजीली निकल सके। और कई बार वो गंदे होते हैं, जैसे हाथ गंदे हुए नीचे रख के वो रेंगते भी है ना, तो वही इन्फेक्शन जो है हम अंदर लेके जाते हैं मुंह के अंदर, उस वजह से उनको वो दस्त रहते हैं, ना के दांत निकालने की वजह से रहते हैं। दांत निकलने की उम्र में हम बोल देते हैं कि टीदिंग किड्स के अंदर, टीदिंग चिल्ड्रन के अंदर ये इशू रहता है, उस एज में रहता है। अब इसकी हम देखते हैं कि ये दस्त एक ही प्रकार का है या कुछ और भी इसकी टाइप्स रहती हैं। जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, एक तो अक्यूट डायरिया, जैसे हम उसमें ये देख लेते हैं कि जिसको पानी की तरह और कुछ घंटे या कुछ दिन रहता है, जिसको हम कॉलरा बोल देते हैं सिंपली ना, एक तो वो एक प्रकार हो गया, इसका टाइप हो गया। दूसरा हम जिसमें ब्लीडिंग होती है, जिसमें साथ में दस्त के साथ ब्लड आता है, जिसको हम पेचिश बोल देते हैं, पेचिस या पेचिश बोलते हैं। तीसरा इसका रहता है क्रॉनिक, क्रॉनिक डायरिया मतलब काफी 2-3 हफ्ते से ज्यादा लंबा टाइम जब लग जाए पेशेंट को, दस्त होते रहते हैं, हम दवाइयां दें और वो ठीक भी ना हो, या हो जाए ठीक वापिस आ जाए, क्रॉनिक डायरिया जिसको बोलते हैं, के रहता ही रहता है। और वो उसकी वजह अलग होएगी, जैसे उसके पीछे कोई ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे क्रोन डिजीज हो गया, या कोई और डिजीज आ गई उसके पीछे ना, या वजह उसकी कोई रहती है जो पॉजिटिव एजेंट उसको बार 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 उसके बॉल्स में इरिटेट कर रहा हो। ये तो होगी इसके टाइप्स के बारे में बात। अब हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या रहते हैं। दस्त रहने से क्या आता है, एक तो पेट में दर्द रहना है ना, सूजा सूजा महसूस होना, कि टच भी करते हैं तो ऐसे लगता है कि दर्द हो रहा है, सूजन महसूस होती है, और मोशन से पहले मरोड़ उठ जाना। कई बार जरूरी नहीं है कि मरोड़ उठता हो या दर्द उठता हो मोशन से पहले, कुछ लोगों को विदाउट पेन कोई उसका स्पाज़म नहीं आता और मोशन आता है ना, लेकिन कुछ पेशेंट्स में स्पाज़म्स के साथ मोशन्स आते हैं, और इसके साथ फीवर 100-200-300 डिग्री तक भी रहता है फीवर। कई बार सिर का दुखना, चक्कर आना, मुंह का टेस्ट बदल जाना, भूख का कम होना, डिहाइड्रेटेड हो जाना, और मोशन में साथ में थोड़ा ब्लड आ जाना या म्यूकस का आ जाना, ये इसके सिम्टम्स है। इसके बाद हम ये देखेंगे, ये तो हो गए इसके लक्षण, अब इसके बाद में बात करते हैं इसके रीजंस, कॉजेस, क्या कारण रहते हैं। सबसे पहला जो मुझे देखने को मिलता है कि गंदगी आसपास, जब हमारे हाथ साफ ना हो और हम खाना खा रहे हो वही हाथों से, जब भी आप जितनी बार भी बाहर जाते हो, घर के अंदर हो, तो हमको हाथ अपने धो लेने चाहिए। अगर सैनिटाइजर्स, आजकल तो सैनिटाइजर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं और सस्ते भी हो चुके हैं, तो सैनिटाइजर्स यूज कीजिए। आप वॉशरूम जाते हो, फ्लश आउट कीजिए, वॉशरूम्स क्लीन रखिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गंदगी हमारी रहती है ना, और वहीं से हम बीमार ज्यादा होते हैं, तो वो उसकी सफाई रखिए, घर की सफाई रखिए, अपने हाथों की सफाई रखिए,
हाथों को धोने का मतलब आपके फिंगर्स के बीच में से नेल्स ये सब, और ये नेल बाइटिंग जो है हम नेल्स खाते हैं ये नहीं करना है ना, इसकी वजह से भी दस्त बच्चों को रहते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं जिनको दस्त रहते हैं, ये जो हम टीदिंग एज के बीच में बोलते हैं, तो बच्चों के हाथ साफ रखिए, जो मुंह में जो वो खिलौना डाल रहे हैं वो आपका साफ होना चाहिए बच्चों का। इसके अलावा जैसे हम पानी है वो साफ पानी पीजिए, जैसे बहुत गर्मी होती है या बरसात के सीजन में ये ज्यादा रहता है तो आप फिल्टर वाटर पीजिए या बॉयल वाटर करके उसको ठंडा कर लीजिए, बॉयल वाटर को ठंडा करके ये सब। और कुछ एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ये इश्यूज रहते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो मोशन लग जाना, तो वो एक अलग इशू है, वो तो एंटीबायोटिक्स आप बंद करोगे तो वो पेट ठीक हो जाएगा, उसमें हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है ज्यादा। इसके अलावा जैसे स्विमिंग करते हैं कुछ बच्चे, स्विमिंग सीखने जाते हैं तो वो पानी जो स्विमिंग पूल का होता है वो गंदा होता है, उसका कई बार मुंह में चले जाना उसकी वजह से डायरिया अक्सर बच्चों को होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ एक बहुत ही कॉमन कॉज है जिसपे लोग वर्क नहीं करते हैं, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव करा होता है उसको बहुत जल्दी मोशंस लग जाते हैं, होता क्या है कि बाइल नहीं रहता, गॉल ब्लैडर रिमूव है तो उसका डाइजेशन वीक है, जब हम खाना ज्यादा खाते हैं या हमें हजम नहीं होता है वो खाना तो हमें मोशंस लग जाते हैं, तो उसमें आप मेडिसिन के साथ साथ थोड़ा सा आपको परहेज भी करना पड़ता है कि खाना हल्का खाओगे आप, है ना, खाना हल्का खाएंगे ताकि वो हजम हो जाए, हजम होगा तो फिर हम नेक्स्ट डाइट पे आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम ये तो हमने इसके लक्षण कारण ये सब देखे, इसके बाद हम इसके रोकथाम के ऊपर पे जाते हैं कि इसको विदाउट मेडिसिन हम कैसे इसको हेल्प कर सकते हैं अपने घरों में। हाथों की सफाई अच्छे से, घर की सफाई अच्छे से, अपने वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन रखने हैं, बाहर का भोजन कम कीजिए, खास करके जब हम बहुत गर्मी के सीजन में ट्रेवल करते हैं या बरसात के सीजन में, तो बाहर का खाना थोड़ा कम कर लीजिए, घर से खाना लेके जाइए, या आप अगर बाहर जाते हैं अगर आपको खाना खाना पड़ता है तो आप फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स भी आप वो लीजिए जो हम जैसे केला है छिलका उतारा और खा लिया, संतरा है छिलका उतारा और खा लिया, ऐसा फ्रूट जो नीट एंड क्लीन हो, या फिर जो भी फ्रूट लेते हो उसको धो के खाइए, ठीक है। और इसके अलावा पानी जो है बाहर का पीना है वो थोड़ा फिल्टर वाटर पे, मिनरल वाटर पे ध्यान दीजिए उस पर, क्योंकि बाहर आपको हमको कोई भी बॉयल करके वाटर ठंडा करके नहीं देगा ना कोई होटल वाला, तो वहां से बॉटल्स हम या ये एक फिल्टर वाटर पे हम मिनरल वाटर पे हम आ सकते हैं। इसके अलावा हम जूसेस और जूसेस का इंटेक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब भी दस्त लगते हैं तो हमारी बॉडी का पानी जो है वो कम होता है, मतलब हमें डिहाइड्रेशन होती है और स्किन जो है ड्राई होती है, हमें ऐसे देखने से पता लग जाता है कि ये डिहाइड्रेटेड स्किन है, ये इसकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, तो हमें डिहाइड्रेशन नहीं होना होता उस समय। आप ORS इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हमारी बॉडी के वो उसको बैलेंस रखता है, ORS वो लेना होता है, और इलेक्ट्रोलाइट करके एक पाउडर आता है हम उसका सेवन कर सकते हैं, नहीं तो ग्लूकोज पाउडर है मिल जाता है मार्केट से, ग्लूकोन-डी वगैरह, वो पानी में घोल के ले सकते हैं। अगर ये सब भी अवेलेबिलिटी आपके आसपास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर हम पेशेंट्स को देते हैं ताकि बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो ज्यादा, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का सेवन करते रहे, और पानी इस समय खास करके उबला हुआ पानी ठंडा करके ही लो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा हमें चीनी कम चीजें लेनी होती है, और आहार जो हम खाना खाते हैं वो थोड़ा नरम हो और हल्का खाना हो, जैसे खिचड़ी और दही, ठीक है, मसालेदार कुछ भी ना लो। और एक और सबसे बड़ी बात कि हमें फाइबर्स इसमें कम लेने होते हैं, फाइबर का इंटेक हम कब बढ़ाते हैं जब हम कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, ताकि हमारा डाइजेशन फास्ट हो जाए और हमें मोशन आए थोड़ा लूज होके, और जब हम फाइबर इंटेक उतना ही रखते हैं तो हमें मोशंस तो पहले ही लगे हुए हैं तो वो और बढ़ जाता है, तो हमें डाइट में क्या करना है, हमें फाइबर्स थोड़े कम करने होते हैं, रिड्यूस करना होता है फाइबर, तो खाना थोड़ा सॉफ्ट लेना है ताकि ये थोड़े दिन के लिए हमें ये दस्त का है या मोशंस है वो थोड़े सही हो जाए। इसके बिना अब आएंगे हम ट्रीटमेंट के ऊपर, ट्रीटमेंट में भी और वो मेडिसिनल पार्ट। होम्योपैथ हूँ तो होम्योपैथी की ही बात करेंगे, तो होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, अगर तो हमें ये मेडिसिन की वजह से लगा है दस्त लगे हैं, जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, अगर उसकी वजह से आया है तो हमने वो मेडिसिन देनी है जिससे एंटीबायोटिक के असर कम हो गए। इन माय एक्सपीरियंस नाइट्रिक एसिड इज वेरी गुड रेमेडी, एंड सेकंड चॉइस इज द नक्सोमिका,
पर पहले मेरी नाइट्रिक एसिड ही चॉइस रहती है। नाइट्रिक एसिड का सिंगल डोज भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, इसमें अगर हमें स्पाजम्स के साथ मोशन आते हैं तो मेरा चॉइस रहता है एलो। अगर विदाउट पेन, पेनलेस अगर होता है तो क्रोटन टीक का सिंगल या दो डोज ही आ बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। और टीडिंग चिल्ड्रन में जैसे ग्रीन डायरिया वगैरह हो गया तो हम कर्केरिया फॉस दे सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चा बहुत इरिटेटिंग है, इरिटेबल है, बहुत ही झगड़ालू किस्म का अपना बिहेवियर शो कर रहा है तो हम कैमोमिला भी यूज कर सकते हैं। बच्चों में मैंने पोडो भी बहुत यूज करा है, पोडोफाइलो इज ऑल्सो ए गुड रेमेडी। इसके अलावा मर्कसॉल या मर्ककॉर जिसमें म्यूकस आता है और साथ में ब्लड आता है, मर्ककॉर ज्यादा सिवियरिटी शो करेगा, मर्कसॉल इतनी सिवियरिटी नहीं शो करता है, ठीक है। तो मेडिसिन के साथ साथ हमको इसके मैनेजमेंट पार्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं है कि हम सिर्फ मेडिसिन दे देंगे और उसको मैनेज करना नहीं पेशेंट को बताएंगे तो ये सही हो जाता है, नहीं होगा ऐसे। हमें इसके मैनेजमेंट पार्ट पर ध्यान देना ही देना है, मतलब उसका डाइट का, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज का हमें थोड़ा सा फेरबदल थोड़े दिन के लिए करना ही पड़ता है, ठीक है जी। थैंक यू, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।